शहर में बुधवार से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत हेलमेट रैली के साथ की गई है। शहर में पुलिस कर्मियों ने हेलमेट जागरूकता रैली निकालकर आम जन को भी सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने सुबह 10 बजे कोतवाली परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने बताया, यातायात नियम आमजन की सुरक्षा के लिए है। ज्यादातर हादसों में बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों की मौत के मामले सामने आते हैं। यह सिद्ध भी हुआ है कि हेलमेट पहने चालक को दुर्घटना में घायल होने पर ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। यातायात थाना प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार ने बताया, इस बार यातायात सप्ताह के दौरान चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, लोगों में यातायात के प्रति जो उसके नियम है उसके जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष यातायात सप्ताह का आयोजन होता है। इस बार भी यातायात का सप्ताह स्टार्ट हुआ है जागरूकता का, जो आज 11 जनवरी से स्टार्ट होकर 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए हम लोग समझाइश भी देंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे और साथ ही साथ इसी के तहत चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हेलमेट पहनना एक वैधानिक अनिवार्यता है और जो नियम कायदे कानून है उसको मानना प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है। आप ये जानते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट में जो मौत होती है उसमें अधिकांशतः मौत मोटरसाइकिल चालकों की होती है, और ये भी कई सारी स्टडीज में आया है कि यदि हेलमेट पहना हुआ होता है तो कई चांस रहते हैं बचने के। तो एक तो जो यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें एक तरफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान है, चाहे वो सीट बेल्ट पहनना हो, चाहे वो गाड़ी में काली फिल्म ना लगाएं, हेलमेट पहने, ये सारे जो नियम है उनके बारे में अवेयर भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एनफोर्समेंट भी बढ़ाया है, जो लोग टू व्हीलर पे मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं लगाएंगे उनकी चालानी कार्रवाई भी करेंगे। तो आज परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से पूरे शहर में एक अवेयरनेस रैली निकाली गई है। लोगों से यही आग्रह है कि अब कम से कम अपनी जान की चिंता करें, परिवार की चिंता करें, क्योंकि मोटरसाइकिल का उपयोग बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। तो मोटरसाइकिल की दुर्घटना में आपकी जान न चली जाए उसके लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। और ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अब हम जागरूकता सप्ताह के साथ साथ ही एनफोर्समेंट भी बढ़ाएंगे, जो लोग टू व्हीलर पर हेलमेट धारण नहीं करेंगे उनके खिलाफ में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में कार्रवाई होगी। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए बड़ी कार्य योजना बनाई गई है। कई सारे व्यापारी संगठनों से, कई आम नागरिकों सुझाव भी आए थे, उसमें लगातार प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि कोई व्यवस्थित पार्किंग पूरे शहर में नहीं है और मार्केट में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास व्यापारियों के उनके एम्प्लॉयज के बड़ी संख्या में वाहन खड़े होते हैं, उसके कारण कंजेशन की स्थिति है। कई बार इस मुख्य मार्गों में ठेले भी हटाए गए लेकिन फिर भी अस्थायी रूप से ठेले आ जाते हैं। तो ट्रैफिक कंजेशन के बहुत सारे कारण है जिसमें कि नगर पालिका, पुलिस और ट्रैफिक मिलकर लगातार काम कर रहे हैं और भी जो चीजें संज्ञान में आ रही है उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।